ये है दिल्ली दर्पण। आने पर मजबूर कर दिया। बारे में बताया मैम, हमें 3 दिन लगे बच्चों को तैयारी करवाने में। बच्चों ने इसमें जंक फूड और हेल्दी फूड की लड़ाई के बारे में बताया और सबको ये बताया कि हमें हेल्दी फूड को चुनना चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो घर का खाना है, जो हेल्दी फूड है, वो अच्छा है। ये बच्चे ज़रूर MCD में पढ़ रहे हैं, बट इनका माइंड अच्छा शार्प है, तो हमें इनके साथ बहुत स्ट्रगल नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। 1-2 दिन लगते हैं इनको मोटिवेट करने में, फिर इनमें जब अपने आप जज्बा आता है तो ये खुद सीखते हैं। और टचवुड, हमारे पास कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं इस स्कूल में। हमें पेरेंट्स ने भी फुली सपोर्ट किया इनको घर में याद कराने के लिए और हमें साथ साथ इनको तैयार करने के लिए। मैम, ये तो रूटीन है हमारा। एक्चुअली ना ये रूटीन वर्क है, हम लोग जैसे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देते हैं, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये हम इनको डेली सिखाते हैं बच्चों को। और जब हमारे बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं तो चांस की बात है कि ज्ञान मेला हो गया। तो हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि इतने छोटे बच्चों के अंदर भी हम लोग जनरल अवेयरनेस की चीज़ें, जो संस्कार हैं, वो कैसे अपने बच्चों में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली क्लास से और 8वीं तक पढ़ी, तब ये टेंट वाला स्कूल होता था, और जब मैं यहाँ आज इस रूप में आती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ अब मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरे जो टीचर्स थे वो नहीं रहे, उनकी कमी भी खलती है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज इस स्कूल से आगे पढ़ी हूँ। MCD के डायरेक्टर कर बाहर आ रही है। बच्चों की परफॉर्मेंस देख के उनके अंदर का जो हैप्पीनेस है, उनका जो टैलेंट है, और उसके पीछे जो उनके टीचर्स की मेहनत है, सब कुछ एक साथ दिख रहा था। और मुझे लगता है जिस पर्पज़ के लिए ये नगर निगम का एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि बच्चे आगे बढ़ें, खुशहाल हों, जैसे आज ये बुधवार है, हमने को करिकुलर डे लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था कि इसमें बच्चों का टैलेंट बाहर आए, तो वो वैसा होता देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में और भी एफर्ट होंगे, और यहाँ पे जो ओवरऑल यहाँ का जो प्रोग्राम था, जो कल्चरल प्रोग्राम था, वो तो अच्छा था ही, उसके अलावा ओवरऑल जो TLM थे उससे भी मुझे लगता है टीचर्स को दूसरे जगह की जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो समझने में और मदद मिलेगी, और हमारे बच्चों को और भी बेहतर प्रैक्टिसेस मिलेंगी। MCD के विभिन्न स्कूलों से आए अध्यापकों और बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बेस्ट स्कूल, बेस्ट मॉडल, बेस्ट टीचर के साथ विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कारों का वितरण किया गया, जिससे बच्चों के साथ साथ अध्यापकों का भी हौसला बढ़े। इसी के साथ 3-दिवसीय विज्ञान मेला एवं क्षेत्रीय अध्यापक पुरस्कार के 2 दिन के कार्यक्रम का समापन हुआ। कैमरा पर्सन कमल के साथ अपूर्व गोस्वामी, दिल्ली दर्पण TV।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।